एक समय की बात है, एक शहर में मनीष नाम का एक लड़का रहता था। मनीष एक लड़की को बहुत ही पसंद करता था। वो लड़की उसी के ऑफिस में काम करती थी। मनीष उससे शादी करना चाहता था। एक दिन मनीष के माँ बाप गाँव से शहर आते हैं। वो मनीष से उसकी शादी की बात करते हैं, पर मनीष उसको साफ मना कर देता है। माँ, मैंने यहाँ अपने लिए एक लड़की पसंद कर ली है, मैं तो उसी से शादी करूँगा। कौन है वो लड़की? तू ऐसे कैसे शादी कर सकता है अपनी मर्जी से? हाँ, हमने गांव में तेरे लिए बड़ी सुंदर और गुणी लड़की देखी है, उससे अच्छी लड़की कोई हो ही नहीं सकती। नहीं माँ, मैं तो शीना से ही शादी करूँगा। अच्छा, तो उस मनहूस का नाम शीना है? माँ प्लीज, उसे ऐसे मत बोलो, वो बहुत ही अच्छी लड़की है। मनीष के माँ बाप मनीष की पसंद की लड़की को देखना भी नहीं चाहते थे, पर मनीष की जिद के आगे उनको झुकना ही पड़ता है। ठीक है, फिर उस लड़की के माँ बाप से हमको मिलवा। उसके माँ बाप नहीं है। तो कोई तो होगा, चाचा मामा? नहीं, उसका कोई भी नहीं है। अरे भाई, ऐसे कैसे हो सकता है कि उसका कोई भी नहीं है? ये लड़की का कोई परिवार खानदान का तो पता हो। जब मैंने बोल दिया, आपको समझ नहीं आता क्या? आपको हमारी शादी करवानी है तो करवाइए, वरना हम खुद यही मंदिर में शादी कर लेंगे। मनीष की ये बात सुनकर उसके माँ बाप को बड़ा दुख लगता है। उनके गांव में बड़ी इज्जत होती है, बस उसी इज्जत की खातिर वो मनीष और शीना की शादी को हामी भर देते हैं। बस उनकी एक शर्त होती है कि वो 2-4 महीने वही गांव में रहेंगे। मनीष ये शर्त मान लेता है। मनीष 1 महीने बाद शीना के साथ गांव पहुंचता है। मनीष शीना को घर के अंदर ले आता है। पता नहीं क्या दिखाई से इस लड़की में, इनकी जोड़ी तो बिल्कुल नहीं जच रही। मनीष के माँ बाप पहले से ही गुस्से में थे, क्योंकि वो इस शादी से नाखुश थे, और अब वो और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। मुझे ये लड़की कुछ अजीब लग रही है, तू एक बार सोच ले बेटा। आपको तो पहले से शीना में कमियां दिख रही थी, आपको उसके अंदर की अच्छाई नहीं दिखती। आप हमारी शादी करवाना चाहते हो या हम वापस जाएं? नहीं नहीं, ऐसा मत करना, वरना हमारी बहुत ही बदनामी होगी। तुम यहीं रहो, हम तुम दोनों की शादी करवा देंगे। बस मुहूर्त के हिसाब से 2 दिन बाद मनीष और शीना की शादी हो जाती है। जैसे तैसे दोनों की शादी हो जाती है और दोनों घर में हंसी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन शीना अपनी सास से बोलती है, माँ जी, आप मुझसे नाराज क्यों रहती हो? बताओ मेरी क्या गलती है? नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। शुरू में जरूर मैं तुमसे नाराज थी, पर अब ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा माँ जी, मैं बोल रही थी कि क्या हम छत वाले कमरे में रह सकते हैं? वहाँ क्यों? वो ये कमरा बहुत छोटा है तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। शीना और मनीष फिर ऊपर छत वाले कमरे में रहने लगते हैं। एक रात शीना मनीष के सोने के बाद कमरे के बाहर आती है और जोर जोर से हंसने लगती है। उसके बाद वो लंबी होती चली जाती है और एक लंबी चुड़ैल में बदल जाती है। हंसते हंसते शीना एक लंबी चुड़ैल में बदल जाती है। उसके बाद वो छत पर खड़ी होकर पूरे गांव को देखती है। गर्मियां होती हैं, इसलिए ज्यादातर लोग अपनी अपनी छत पर सो रहे होते हैं। शीना बड़े ध्यान से सभी छतों पर देखती है। उसके बाद वो एक हाथ से एक आदमी की चारपाई उठाती है और उसे दूसरे की छत पर रख देती है। उसके बाद वो एक बच्चे को उसकी माँ के पास से उठाकर दूसरी छत पर सो रही एक औरत के पास लिटा देती है। कितना मजा आ रहा है। अब आएगा मजा जब ये लोग सुबह उठेंगे। चुड़ैल पूरी रात सब लोगों को इधर का उधर कर देती है। उसके बाद वो वापस पहले जैसी हो जाती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। सुबह फिर उसकी आंख कुछ शोर सुनकर खुलती है। शीना और मनीष दोनों उठकर बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि गांव में भीड़ हो रखी है। एक औरत दूसरी औरत से लड़ रही है कि उसने उसका बच्चा चुरा लिया। कुछ लोग इस बात को बोल रहे हैं कि रात को वो अपने घर में सोए थे और सुबह वो कहीं और सोते मिले। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। शीना सब देख रही होती है और धीरे धीरे मुस्कुरा रही होती है। मनीष की माँ जब शीना को ऐसे देखती है तो उसे बड़ा ही अजीब लगता है। ये इतना क्यों खुश हो रही है? आखिर इन सब से इसे क्या खुशी मिल रही है? सब लड़ झगड़ कर अपने अपने घर में चले जाते हैं और मनीष का परिवार भी अंदर आ। मनीष की माँ पूरी रात लेटी हुई उसी हाथ के बारे में सोचती रहती है। फिर सुबह हो जाती है, सब ठीक हो चुका होता है और सब पहले जैसे घर के कामों में लगे रहते हैं। मनीष की माँ आंगन में बैठी ही होती है कि तभी वहाँ एक चूड़ी वाला चूड़ियाँ बेचने आ जाता है। अरे भैया, रुकना तो जरा। मनीष की माँ शीना को आवाज देकर बुलाती है। इतने दिन हो गए तूने चूड़ियाँ ही नहीं पहनी, चल इसमें से कोई पसंद कर ले और भर भर कर पहन ले। नई नवेली दुल्हन चूड़ियों में ही जचती है। अब रात होती है और दोबारा शीना ऐसा ही करती है। वो अपनी चुड़ैल के रूप में आ जाती है और उसकी लंबाई बढ़ती चली जाती है। लंबी चुड़ैल बनने के बाद वो अपना लंबा हाथ दूसरों के हाथ तक पहुंचाती और अपना वही काम शुरू कर देती है। इस बार तो वो हद ही कर देती है।
वो लोगों के आंगन में बंधी गाय भैंस बकरियों को बाहर निकाल देती है। सब जानवर यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं। वो तो एक आदमी की सारी मुर्गियों को भी बाहर गांव में निकाल देती है। सारी मुर्गियाँ यहाँ वहाँ पूरे गांव में फैल जाती हैं। अरे वाह, मजा ही आ गया। ये मुर्गियाँ यहाँ वहाँ उछलती कितनी मजेदार लग रही हैं। चुड़ैल सारे जानवरों को ऐसे बाहर छोड़कर बड़ी खुश होती है, पर कुछ ही देर में वहाँ हड़कंप मच जाता है। गायों का शोर सुनकर सब लोग उठ जाते हैं। जब बाहर आते हैं तो देखते हैं कि सारे जानवर यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये सब जानवर बाहर कैसे आए? अरे भैया, मैंने तो अपनी सारी मुर्गियाँ अंदर बंद कर रखी थी, ये ऐसे कैसे बाहर आ सकती हैं? सब लोग बड़े ही परेशान हो जाते हैं और पूरी रात सो नहीं पाते। मनीष की माँ भी बाहर ही होती है। वो अपनी छत की तरफ देखती है तो उसे एक लंबा सा हाथ दिखता है। वो घबरा कर ऊपर जाती है तो वहाँ जब तक चुड़ैल वापस शीना बनकर अपने कमरे में सो चुकी होती है। अभी मैंने किसी का लंबा सा हाथ देखा था, अब वो वहम तो नहीं था, पर वो था कौन? फिर वो शीना और मनीष को सोते हुए देखती है कि तभी उसका ध्यान शीना के हाथ पर जाता है। हे भगवान, क्या ये सच है? मैंने जो लंबा हाथ देखा वो और ये एक ही है, उसने यही चूड़ियां तो पहनी थी। मतलब वो हाथ शीना का था? हे राम, मुझे शुरू से इस लड़की में कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इसके न घर का पता था, न रिश्तेदारों का। अब मैं सब समझ गई। मनीष की माँ घबराते हुए नीचे अपने कमरे में जाती है और अपने पति को सब बता देती है। अब दोनों परेशान हो जाते हैं कि कैसे इसकी सच्चाई सबके सामने लाएं कि ये इंसान नहीं चुड़ैल है। सबसे ज्यादा जरूरी तो मनीष के सामने इसकी सच्चाई लाना है। वो एक चुड़ैल के साथ रह रहा है और उसे पता भी नहीं है। दोनों पूरी रात इस बारे में सोचते हैं और फिर एक तरकीब निकालते हैं। अगले दिन जब शीना आंगन में बैठी होती है और मनीष छत पर घूम रहा होता है, तभी उसके बाबूजी छत पर जाते हैं और वो मौका देखते ही मनीष को हल्का सा धक्का मारते हैं। उधर मनीष की माँ जोर से चिल्लाती है ताकि शीना की नजर ऊपर जाए, और फिर बस बिल्कुल वैसा ही होता है। मनीष छत से नीचे गिरने ही वाला होता है तभी शीना लंबी चुड़ैल बन जाती है और मनीष को एक हाथ से बचा लेती है। मनीष बच तो जाता है पर वो अपनी बीवी शीना को ऐसे चुड़ैल में बदलते देख बेहोश हो जाता है। जब मनीष को होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। शीना, चुड़ैल, चुड़ैल। बेटा शांत हो जा, शांत हो जा। माँ, पर वो शीना, वो चुड़ैल। हाँ, हमें सब पता है बेटा, वो एक चुड़ैल है और तभी उसका कोई घर और कोई रिश्तेदार नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता माँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वो एक चुड़ैल निकली। चुड़ैल किसी की सगी नहीं होती। हम तेरे सामने ये सच लाना चाहते थे, तभी तेरे बाबूजी ने ऐसा किया। मनीष फिर उस रात सोने का नाटक करता है और खुद अपनी आंखों से शीला को एक लंबी चुड़ैल बनते देखता है। उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। उस रात तो जैसे तैसे वो निकाल लेता है, पर अगली सुबह वो अपनी माँ से खुद बोलता है कि उसे शीना से छुटकारा चाहिए। मनीष की माँ एक तांत्रिक को घर में लेकर आती है। तांत्रिक अपने मंत्र शुरू करता है तो शीना को कुछ होने लगता है। वो खुद को चुड़ैल के रूप में आने से रोकती है, पर ऐसा हो नहीं पाता। वो चुड़ैल के रूप में आ ही जाती है और चिल्लाने लगती है, ये तूने क्या किया? यहाँ क्यों आया? तू चला जा। तूने इस लड़के से शादी क्यों की? ये गांव वालों को परेशान करके तुझे क्या मिल रहा है? मजा आता है मुझे, बहुत मजा आता है। तुझे अभी मैं सबक सिखाता हूँ, रुक तू जरा। तांत्रिक बस एक फूंक मारता है और चुड़ैल छोटी होने लगती है। धीरे धीरे वो इतनी छोटी हो जाती है कि तांत्रिक उसे बोतल में कैद कर देता है और अपने साथ ले जाता है। मैंने आपकी बात नहीं मानी और क्या हो गया? अब आप जो चाहेंगे वही होगा, मुझे माफ कर दो बस। मनीष के घर वाले फिर उसकी शादी उसी लड़की से कर देते हैं जिसे वो पहले पसंद करते हैं, और सब ठीक हो जाता है। बहुत समय पहले महिपालपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में बहुत ही अंधविश्वास था। वहाँ लड़कियों की कोई अहमियत नहीं थी और बस लड़कों को ही पूछा जाता था। उस गांव के हालात इतने बुरे थे कि अगर किसी के घर कोई लड़की पैदा हो जाती तो वहाँ की मुखियाइन सावित्री देवी उसे तभी के तभी मरवा देती। उस गांव में महेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सीमा के साथ हंसी खुशी रह रहा था। सीमा और महेश की शादी को करीब 8 साल हो गए थे, पर उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन की बात है जब सीमा की तबीयत काफी खराब हो गई थी। चलो सीमा, मैं तुमको वैद्य के पास ले चलता हूँ। मेरी हालत बिल्कुल भी चलने के लायक नहीं है जी। ठीक है, फिर मैं वैद्य को यहीं बुला लाता हूँ। महेश फिर वैद्य को घर लेकर आता है। वैद्य सीमा को देखता और खुशी से बोलता है, अरे महेश बेटा, मुबारक हो, तुम बाप बनने वाले हो। क्या सच में? आप सच बोल रहे हो ना?
महेश और सीमा की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। इतने सालों बाद उनके घर इतनी बड़ी खुशी आती है। महेश सीमा का बहुत ध्यान रखता है और सीमा भी हर पल अपने बच्चे का इस दुनिया में आने का इंतजार करती है। जैसे तैसे करके पूरे 9 महीने बीत जाते हैं और इतने इंतजार के बाद एक रात सीमा की तबीयत बिगड़ जाती है। उस रात बहुत तेज आंधी तूफान आ रहा होता है और महेश सीमा को लेकर ही नहीं जा पाता। और सीमा को जुड़वा बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। देखो जी, हमें भगवान ने दो दो बच्चे दिए। हमारी बेटी तो देखना कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है। सच में सीमा, ये तो बहुत ही प्यारी है। इसका नाम हम परी रखेंगे। सच में बिल्कुल परी जैसी है ये। पर ये तो लड़की है ना, इसको तो सावित्री देवी ले जाएगी, इसे मार डालेगी। नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी नहीं दूंगी। आप यहाँ से भाग चलो, हम अपनी बेटी को मरने नहीं देंगे। मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। हमें इसे उस सावित्री देवी से बचाना होगा। एक काम करते हैं, मैं इसे अभी के अभी तुम्हारी बहन को शहर दे आता हूँ। बस यही तरीका है इसे बचाने का। नहीं, मैं इसे अपने से दूर नहीं करूंगी। एक काम करती हूँ, मैं इसे छुपा दूंगी और घर से बाहर ही नहीं निकालूंगी। और गांव वालों को क्या पता कि हमें जुड़वा बच्चे हुए हैं। हाँ, ये तरीका भी सही है। बस फिर उस दिन से महेश और सीमा परी को घर में छुपा कर रखने लगते हैं। धीरे धीरे सालों निकल जाते हैं और परी काफी बड़ी हो जाती है। परी, तुम घर के अंदर ही रहना और बाहर बिल्कुल मत निकलना। ठीक है बाबा। सबके जाने के बाद परी चुपके से खिड़की के बाहर देखने लगती है। परी का बाहर घूमने जाने का बहुत मन करता है। अगर मैं बाहर गई और माँ को पता लग गया तो माँ बहुत डांटेगी। पर मैं ऐसे कब तक घर में रह सकती हूँ? आज बाहर जाकर देख के आती हूँ कि आखिर कैसा है हमारा गाँव। परी बिना कुछ सोचे समझे घर से निकल पड़ती है। अब गांव के लोग परी को देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे, हमारे गांव में लड़की कौन? परी को पूरे गांव में एक भी लड़की दिखाई नहीं पड़ती। हर जगह छोटे हो या बड़े, बस लड़के ही लड़के होते हैं। परी ये सब देखकर बड़ी हैरान होती है, पर फिर वो ये सब भूलकर अपना घूमने लगती है। घूमते घूमते परी शांति देवी के घर के बाहर पहुंच जाती है। ए लड़की। जी बोलिए। कौन हो तुम और यहाँ हमारे गाँव में का कर रही हो? मेरा नाम परी है, मैं यही पास में रहती हूँ। वो शांति देवी है ना, बस उनसे बचाने के लिए मेरी माँ मुझे घर से बाहर ही नहीं निकलने देती। शांति मन ही मन गुस्से में लाल हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि उससे बचाकर आखिर किसने एक लड़की को छुपा रखा था। शांति देवी परी से उसके माँ बाप का नाम पूछती है और फिर परी को वहाँ से जाने देती है। परी पूरा गाँव घूम कर घर वापस आ जाती है। परी के माँ बाप और भाई को अगले दिन आना होता है, इसलिए वो अकेले ही घर में सो रही होती है। अब रात को जब पूरा गांव गहरी नींद में होता है तो शांति देवी कुछ लोगों के साथ परी के घर पहुंच जाती है। वो लोग परी पर जानलेवा हमला करते हैं और परी उठ जाती है। ये क्या कर रही हो, मुझे क्यों मार रही हो? और आप तो वही आंटी हो। मैं ही शांति देवी हूँ। क्या? नहीं नहीं, मुझे मत मारना। शांति देवी उसकी एक नहीं सुनती और बेरहमी से परी को मरवा कर वहां से चली जाती है। अगले दिन जब उसका परिवार घर आता है तो परी को मरा देखकर सकपक आ जाता है। परी, परी! हाय मेरी बच्ची, किसने मार डाला इसे? सब बहुत ही रोते हैं और किसी को बता भी नहीं पाते कि उनकी बेटी को किसी ने मार दिया, क्योंकि उन्होंने पहले ही सबसे ये बात छुपा कर रखी होती है। बेचारे अपना दुख अपने अंदर लिए जीने लगते हैं और उनकी सारी खुशियाँ खत्म हो जाती है। इधर परी मरने के बाद एक चुड़ैल में बदल चुकी होती है। वो शांति देवी को खत्म करने के लिए आग बबूला हो रखी। नहीं छोड़ूंगी इसको, इस शांति देवी ने मुझे मार डाला और आज इसकी वजह से मेरा परिवार कितना सदमे में है। इसने इस गांव की कितनी लड़कियों की जान ले ली, अब इसे नहीं छोड़ूंगी मैं। चुड़ैल शांति देवी को मारने के लिए उसके घर पहुंच जाती है और खिड़की से अंदर देख ही रही होती है कि शांति देवी की आवाज उसे सुनाई पड़ती है। शांति देवी उससे कुछ बात कर रही होती है। मैं कितनी खुशनसीब हूँ जो भगवान ने 7-7 बेटे दिए मुझे, एक भी मनहूस लड़की ने मेरे घर जन्म नहीं लिया। अब मैं अपने बेटों के लिए सुंदर और सुशील बहू लेकर आऊंगी। बस फिर यही बात चुड़ैल सुन लेती है और उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। उसी रात वो गांव में पोस्टर लगा देती है जिस पर लिखा होता है सबसे सुंदर लड़की का स्वयंवर, जो लड़के इस लायक हो वो 4 दिन बाद इसमें भाग ले सकते हैं। जब सब गाँव वाले ये पढ़ते हैं तो दंग रह जाते हैं कि भाई कौन है ये लड़की जो स्वयंवर करवा रही है। शांति देवी को भी ये बात पता लगती है। अच्छा, तो ये बात है, मेरे लड़कों से ज्यादा लायक तो कोई इस पूरी दुनिया में है ही नहीं।
चार दिन बाद मेरे बेटे ही जाएंगे स्वयंवर में। बस फिर सातों लड़के अपने आप को चुस्त दुरुस्त करने में लग जाते हैं। चार दिन बाद स्वयंवर का दिन आता है। सब गांव वाले स्वयंवर में इकट्ठे हो जाते हैं। वहां एक बड़ी सी कुर्सी पर एक लड़की लहंगा पहनी और घूंघट करे बैठी होती है। आ गए सब लोग, तो कौन है जो मेरे लायक है? अब तू कौन है जो हमारे गांव में स्वयंवर रख कर बैठी है? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं, मैं दूसरे गांव के सरपंच की लड़की हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे खुद दूल्हा ढूंढने का हक दिया है। आठ गांव में देख चुकी, मुझे पसंद ना आया तो आज इस गांव में देखने आ गई कि यहाँ कोई मर्द है या फिर सब यहाँ भी ऐसे ही हैं। ए लड़की, मेरे बेटों को कुछ ना बोलियो, उनके जैसा कोई नहीं। बता क्या करना है, वो सब कर सकते हैं। बस फिर वो चुड़ैल घूंघट में बैठी रहती है और एक एक करके सभी लड़कों की परीक्षा लेती है। आखिर में चुड़ैल उसमें से एक लड़के से शादी करने को तैयार हो जाती है। ए लड़की, तूने तो मेरे बेटों को अच्छे से परख लिया, पर तू खुद क्या इस काबिल है? बोलो मैं क्या करके दिखाऊं? शांति देवी फिर उससे अलग अलग काम करवाती है, कभी भैंस का दूध निकलवाती है तो कभी घर का काम। सारे काम चुड़ैल इतने बढ़िया करती है कि शांति देवी एकदम खुश हो जाती है और अपने बेटे और उसकी शादी करवा देती है। अरे अब तो अपनी शक्ल दिखा। हाँ क्यों नहीं माँ जी, मैं तो अब आपकी बहू बन चुकी हूँ, अब तो आपका हक बनता है मेरी शक्ल देखना। चुड़ैल उसी वक्त अपना घूंघट उठाती है और चुड़ैल की शक्ल देख चुड़ैल चुड़ैल नहीं माँ जी, आपकी बहू हूँ मैं। नहीं नहीं, तू तो चुड़ैल है, तू मेरी बहू नहीं हो सकती। अब मैं ही तेरी बहू हूँ और अभी तेरे साथ तेरे घर जाऊंगी। मुझे तू क्या कोई नहीं रोक सकता, मुझे रोकने की कोशिश की तो अभी तेरी जान ले लूंगी। शांति देवी डर जाती है और उसके साथ गांव वाले भी। अब वो चुड़ैल उसकी बहू बनकर उसके घर जाती है और उसी रात अपने सबसे छोटे देवर की जान ले लेती है। शांति देवी और सारे गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। शांति देवी जोर से चिल्लाती है, हाय मेरा लाल, मेरा बेटा। शांति देवी अपने बेटे को गोद में लेकर रो ही रही होती है कि चुड़ैल जब तक दूसरे बेटे की गर्दन मरोड़ कर उसे मार डालती है। गांव वाले सब देखते रह जाते हैं और चुड़ैल एक एक करके शांति देवी के सारे बेटों को ऐसे ही दर्दनाक तरीके से मार डालती है। हाय मेरे बेटे, ऐसा क्यों किया मेरे साथ, क्यों मार डाला? ताकि तुझे समझ आए कि जब किसी की औलाद को और बेटियों को तू उनकी माँ के सामने मार डालती है तो उनको कितनी तकलीफ होती होगी। तूने इस गांव में एक लड़की नहीं जीने दी और बेटों के लिए तुझे बहू चाहिए। अरे जब बेटियां जिंदा नहीं रहेंगी तो बहुएं भी कहां से आएंगी और बेटे कैसे होंगे? बेटी तो किसी को नहीं चाहिए होती, सबको लड़का चाहिए और तुझे इन सबसे क्या लेना देना? आज तक इस गाँव का कोई आदमी ये बात ना बोल पाया मुझसे, क्योंकि मैं इस गांव की बेटी हूँ जिसे मेरे माँ बाप ने छुपकर पाला था, पर बड़े होते ही तूने मुझे मरवा डाला। आज मैंने अपना बदला ले लिया, अब ना तेरे पास औलाद रही और ना भो सकती है, तो ऐसे ही तड़प जैसे ये गांव वाले तड़पे हैं। चुड़ैल ये सब कहकर वहाँ से चली जाती है और गांव वाले ये सब देखकर बड़े खुश होते हैं। तभी वहाँ एक दाई एक बच्ची को लेकर आती है। शांति देवी, वो बिमला थी ना, उसके बेटी हुई है। बिमला तो जन्म देते ही मर गई, बाप इसका पहले ही बीमारी में मर गया था, अब इसको लो और मार डालो। नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, इतने सालों से जो पाप करते आई हूँ आज मुझे मौका मिला है उसका पश्चाताप करने का। मैं पालूंगी इसे और अब से इस गांव में कोई हत्या नहीं हो।